सुभान रब्बी अल आला, दूसरी मर्तबा पहुंचकर और तीसरी मर्तबा खड़े होते हुए, तीन तो शाह साहब पूरी हो गई, तीसरी मर्तबा था ना, और पैगंबर का तवील सजदा, तवील सजदा, परेशान है सहाबी, अचानक क्या देखता है पैगंबर मेरी ही तरफ देख रहे, उठ गए सजदे से, फारिग हो गए। कहा अब्दुर्रहमान क्या बात है? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हूं। कहा सुनो, जिब्राइल ने मुझे बशारत दी है। क्या बशारत है? कहा अल्लाह फरमाता है, मुसनद अहमद की सही हदीस है, अल्लाह फरमाता है कि जो शख्स मुझ मेरे पैगंबर मोहम्मद करीम पर दरूद पड़ेगा, मैं अल्लाह उस पर अपनी रहमतों की बारिश कर दूंगा, और जो शख्स मेरे पैगंबर पर सलाम भेजेगा, मैं अल्लाह उस पर सलाम भेजूंगा। कितना अजीम है वो इंसान जिसे रब सलाम कहे। समझाने के लिए मिसाल है, आपके जेब में हमारे सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कार्ड हो, दावतनामा भेजाओ, आधा अंदर रखेंगे आधा ऊपर रखेंगे, साथ वाला ये क्या है, गिलानी ने दावत भेजी है जनाब, कोई हम कोई कम है? साथ कालर को ऐसे ऐसे करते हैं, फिर अंग्रेजों की औलाद, सुभान अल्लाह, क्यों गिलानी ने बुलाया? पांव जमीन पर नहीं टिकते, इतना बड़ा गिलानी ने सलाम ही भेजा है। कौन है? एक छोटे से मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। ओए लोगो, रब के लिए मिसाल नहीं, फला तज़रिबू लिल्लाहिल अम्साल, जिसे रब सलाम कहे उसकी शान और अजमत क्या होगी? चाहते हो कि रब सलाम करे, जैसे हदीस में आता है खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा पहुंची मोहम्मद करीम के पास, जिब्राइल अमीन मौजूद है, कहते हैं खतीजा आ रही है, इसे कहो जिब्राइल भी सलाम कहता है और जिब्राइल का रब भी खतीजा को सलाम कहता है, आपको और मुझे भी सलाम मिल सकता है। किसका? रब्बे करीम का। कब? जब हमारी जुबान पर जाने या अली ना हो, हमारी जुबान पर शाह साहब की नजरे करम हो गई है, फिर सलाम इबलीस का आएगा, औलिया उहमुत तागूत, सलाम उस बेईमान का आएगा, अजली दुश्मन का आएगा, जब अकीदा तौहीद की बुनियाद पर हमारी जुबान पर यह हो अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातु, तू नबी पर सलाम भेजेगा, नबी का रब तुझे सलाम भेजेगा। हम गाड़ी चला रहे, मैं सफर कर कर आया हूं, सफर कर कर आया, क्या कर रहे हैं? किसी कंजरी की केसेट गाड़ी में लगा लेते हैं, हाथ में सिगरेट होती है, नशे में धक्त होता है, जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे। देखो कितने मुस्कराए, सुभान अल्लाह। और वही सवाल, वही सवाल जो उमर सिद्दीक भाई कर रहे थे, जाकर अपनी बेटी से तो पूछ आज सीरियल नंबर ड्रामे का कौन सा है, कहेगी 8। अब अजी टाइम हो गया, ये इधर नमाज जमात के साथ पढ़ कर गया, और उसे कि अच्छा पैगंबर की बीवियों के नाम अशरा मुबशरा, अबू जी कौन से आपने याद कराए थे? ये अबू जी ने हिफ्ज करवाए थे कंजरियों के नाम। बेटे से भी पूछा, सुभान अल्लाह। गाड़ी चला रहा, इन तौहीद परस्तों को देखता हूं, अभी पूछ लो अमेरिका के कितने अदाकार, एक खतीब का खुतबा सुना उसने सारे अदाकार गिनवा दिए, फलाना फलाना, मुझे तो एक अभी नहीं पता, और अल्लाह का शुक्र है आज तक सिनेमा का मुंह ही नहीं देखा कैसा होता है, मुशरिक था तब वही नहीं देखा, मुवाहिद होकर तो कैसे देख सकता। अल्लाह आपको भी यही तौफीक दे। आमीन। गाड़ी चलाते हुए अब दिल में रोग लग गया, पीछे लिखा हुआ है दुखी, गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है
दुखी, केसट। और अगर ये मुसलमान हो गाड़ी चलाते हुए क्या करें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाला आली मोहम्मद, नहीं पढ़ सकता। शेखों वाला काम शेखों का इलाका है, ना हल्दी लगे ना फटकड़ी, मुफ्त में काम, कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। तू गाड़ी चलाते हुए मोहम्मद करीम पर दरूद पढ़, अल्लाह तेरी भी हिफाजत करेगा, तेरी गाड़ी की भी हिफाजत करेगा। क्यों तो अब उसकी तरफ जा रहा है, उसके नाम पर आवाजें लगा रहा है, अल्लाहुम्मा तेरी गाड़ी चक्कर काटेगी, उसको एक्सीडेंट होगा, वो कहीं से टकराएगी। जब तू गाड़ी चलाते हुए पहुंचा होगा किसी लड़की के मोहल्ले में, तो गाड़ी तो अपने आप ही किसी गड्ढे में जाएगी। चाहता यह है कि जन्नत मिले, आसान सा तरीका, चलते हुए और फिरते हुए क्या कर, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिम। पैसा लगा, कोई देख पकानी पड़ी है, शेखों का काम है, आसान सा काम, आसान सा काम, कोई खर्च नहीं, कोई चंदे का सवाल नहीं, कोई मस्जिद की इमारत नहीं, घर से निकला है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम। और मैंने देखा कितने सारे उलमा भी, अल्लाह हम सबको हदायत नसीब फरमाए, पैगंबर का नाम लेते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम ही जुबान से निकलता है, जोश खिताबत में। और पैगंबर अलैहि सलातो वस्सलाम मिंबर पर चढ़े, पहली सीढ़ी पर कदम रखा, कहा आमीन, दूसरी पर कदम रखा, कहा आमीन, तीसरी पर कदम रखा, कहा आमीन, खुतबा दिया, नीचे उतरे। सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नया काम किया। फरमाया जिब्राइल दुआ कर रहे थे, मैं उसकी दुआ पर आमीन कह रहा था। और आपको याद है फरिश्ते कोई भी अमल अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं करते, गोया रब कह रहा था ये बद्दुआ करो और पैगंबर से उस पर आमीन कहलवाओ। उसमें क्या है कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने और मुझ पर दरूद ना भेजे, बर्बाद और रुस्वा हो गया, वो ये दुआ कर